हमारे पास ये जो जवानी है ये अमानत है, इस जवानी का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस जवानी को हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कयामत के दिन जिन पांच बातों के बारे में सवाल होगा, एक सवाल ये होगा, तीसरा, जवानी कैसे गुजारी थी। आज के नौजवान चाहे वो गलत अफेयर्स में फंस जाए, शराब में फंस जाए, ड्रग्स में फंस जाए, आवारगी में फंस जाए, फजूल खर्चे में फंस जाए, माहौल चारों तरफ चाहे उसी का, हिफाजत खुद अपनी करनी है। और ये बात इसलिए समझाई जा रही है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र था, उसमें एक अहम तरीन फिक्र यह था कि मेरी उम्मत के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए। और वही इस वक्त मंजर पूरी दुनिया में, उसमें मुस्लिम सोसाइटियों का हाल भी वही है और जो गैर मुस्लिम सोसाइटियों में मुसलमान नौजवान उनका हाल भी वही है। इसलिए अपनी कह रहा अपनी जबान को तो शॉर्ट में अगर कहेंगे कि अपने ईमान को बचाइए, अपने कैरेक्टर को बचाइए, अपनी आदतों को बचाइए और अपनी सेहत को बचाइए। सेहत को बचाइए का मतलब ऐसी चीजें मत खाएं जिनसे टेस्ट तो आएगा, फायदा कुछ भी नहीं, तो आपकी सेहत को कोई फायदा नहीं होगा। खाते हैं ना सारे लेज, तो छपाता ये 500 रुपए हूं लेज, ये 3000 रुपए किलो आलू बनता है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि आपने ये जो खाया, ठीक, ये आलू जो आपको पड़ा ये 3000 रुपए किलो के हिसाब से पड़ा, तो फायदा कुछ नहीं। सीधा साधा नींबू का पानी आप पिए वो बहुत फायदेमंद है, और इसके मुकाबले कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे कोई फायदा नहीं। अगर कोई मेडिकल वाला होगा वो समझ सकता है इसको। वो चीजें खाएं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं, वो चीजें न खाएं जो आपकी सेहत के लिए मुजिर हैं। अपनी नींद को पूरा करें, रात रात भर जब आप वेबसाइटों पर जागेंगे और बेफायदा कामों में वक्त बर्बाद करेंगे जिनका कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक, आप पढ़ नहीं सकते। यही वजह है कि आज लड़के पूछते हैं कि चीटिंग करने में क्या हर्ज है, नकल करने में क्या हर्ज है, जो संगीन जुर्म है उसको टीचर भी नकल करा रहे हैं, बच्चे भी नकल कर रहे हैं, नकल करके पास, या नकल करके जब पास होगा तो आगे सोसाइटी में नाकाबिल इंसान बनकर के आएगा, और नाकाबिल इंसान बनकर के आएगा होगा ये अफसर, अफसर होगा मगर काबिलियत कुछ भी नहीं होगी। मुझे आज ही सुबह बता रहे थे, कहने लगे हमारे कॉलेज में एक अरबी का प्रोफेसर है, अरबी का प्रोफेसर है, उसको अरबी गिनती भी याद नहीं है और अरबी का प्रोफेसर है, तो नाकाबिल लोग पैदा होंगे नकलें कर करके। तो खैर, अपने ईमान को बचाएं, अपनी किरदार कैरेक्टर को बचाएं। आप शराबी बनकर नहीं पैदा हुए, बदकार बनकर पैदा नहीं हुए, ड्रग वाले बनकर पैदा नहीं हुए, कॉरप्ट बनकर पैदा नहीं हुए। अपने किरदार को ऐसा ही पाक रखें तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी, वरना ऐसा हो सकता है शरीफ घर का इंसान बिगड़ा हुआ, शरीफ घर का इंसान अबदका, शरीफ घर का इंसान बुराइयों में डूबा हुआ, और जाने अपनी जवानी की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की जिन चीज़ों की बहुत फिक्र थी उनसे यही था, मेरी उम्मत के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए। इसलिए हुजूर कभी जवानों को मुखातब बनाकर कहते थे, या माशरा शबाब, ए जवानों, ये करना ये करना, उसी में ये भी फरमाया निकाह जल्दी करना वरना तुम गुनाहों में फंस जाओगे, जितना जल्दी हो सके निकाह कर लेना, क्योंकि निकाह जो है वो तुमको गुनाहों से बचा लेगा, रोक लेगा। और जब तक निकाह नहीं होता इंसान जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी तरह तरह के ख्वाबों में जीता है, उसी में बिगड़ जाता है, शैतान उसी में उसको फंसा देता है कहीं से कहीं। और इसी में आज के समाज में जो गलत ताल्लुकात शुरू हुए हैं, ये जो अफेयर्स का चक्कर शुरू हुआ है, इश्कबाजों का चक्कर शुरू हुआ, इसकी वजह से जवानों की जवानियां तबाह हो रही हैं, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। समाज कहाँ पहुंचा है सबको मालूम, समाज की बुराइयां कितनी जाहिर करेंगे, जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा बुरा, जितना आप जानते होंगे उससे ज्यादा बुरा है, और जितना अंदर जाएंगे उतना पता चलता रहेगा नौबत कहां तक पहुंच रही है, हालात कहां तक पहुंचे हैं। बहरहाल अपनी जवानी की हिफाजत करें।